अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब आज के इस लेक्चर में नाइन्थ क्लास बायोलॉजी चैप्टर है फाइव टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम्स पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर क्या होता है उसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो हमने देखी थी आज के इस लेक्चर में देखेंगे कि क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन क्या है ईच क्रोमोसोम्स इन यूक्रियोर्ट्स आर कम्पोज ऑफ क्रोमेटिन फाइबर विच इज मेड ऑफ न्यूक्लियोसोम्स क्रोमेटिन फाइबर्स आर पैकेज बाय प्रोटीन्स इनटू अ कंडेंस स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमेटिन अब यूक्रियोट्स में हर क्रोमोसोम जो है वो क्रोमेटिन फाइबर यानी कि क्रोमेटिन धागे का बना होता है और अब ये जो क्रोमेटिन धागे हैं ये जो क्रोमेटिन फाइबर है वो न्यूक्लियोसोम से बनते हैं अब ये क्रोमेटिन फाइबर जो है वो प्रोटीन को पैक करके कंडेंस हो जाते हैं और ये स्ट्रक्चर कहलाता है क्रोमेटिन क्रोमेटिन अलाउज द वेरी लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल टू फिट इनटू द सेल न्यूक्लियस ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन कंडेंसेस फर्दर टू फॉर्म माइक्रोस्कोपिकली विजिबल क्रोमोसोम्स द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स वेरिस थ्रू द सेल साइकिल क्रोमेटिन डीएनए के बहुत लंबे यानी कि जो बहुत लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सेल के जो न्यूक्लियस है उनमें फिट कर देते हैं अब सेल डिवीजन के दौरान ये क्रोमेटिन मजीद जो कंडेंस होकर माइक्रोस्कोप से नज़र आने वाले थ्रेड यानी क्रोमोसोम्स तश्कील देते हैं क्रोमोसोम्स बनाते हैं और जो क्रोमोसोम्स का जो स्ट्रक्चर है वो वेरी करता है यानी कि डिफरेंट होता है सेल साइकिल पर डिपेंड करता है कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा ड्यूरिंग सेल साइकिल क्रोमेटिन मटीरियल रेप्लीकेट डिवाइड एंड पास सक्सेसफुली टू दियर डॉटर सेल फॉर सर्वाइवल ऑफ दियर प्रोजेनि समाइम सेल डिविजन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक डाइवर्सिटी अब सेल साइकिल के दौरान क्रोमेटिन का जो मटीरियल है वो रेप्लीकेट होता है यानि कि कॉपी होता हैट होकर डिवाइड हो जाता है और फिर जो एक नया सेल जो है वो जो कि डॉटर सेल कहलाता है उसमें कामयाबी से ट्रांसफर हो जाता है ताकि जो सेल की जो नस्ल है वो बरकरार रह सके क्योंकि आपको याद हो तो हमने सेल की थ्योरी में पढ़ा था कि सेल जो है वो नए नहीं बनते यानी कि पुराने ही सेल से डिवाइड होकर फिर सेल बनते हैं ठीक है थीके? अब कभी कभी सेल साइकिल भी जेनेटिकल वेरिएशन का बायस बन जाता है तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम्स उम्मीद करती हूँ कि आप को अच्छे समझ आ गया होगा वीडियो हेल्प हो तो इसे करें लाइक शेयर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज